अच्छा, मैं आप किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं लेना है, आपने बस रेस्ट करना है। ओके आइए। आंटी क्या हुआ आपको? कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा सा बीपी हाई गया था। आंटी आप अपना ख्याल नहीं रखती, जब मैं आऊंगी ना तो मैं खुद आपका ख्याल रखूंगी। आइए अपने रूम में चलें। आंटी चलें, आप बैठें। आपको पानी मंगवा दो। रोबी आंटी के लिए पानी लेकर आओ। रूबी ईशा कहाँ है, उसको बुलाइए। वो जी आंटी जब मैं घर आई थी तो मैंने ईशा को घर से बाहर जाते हुए देखा था। मैंने उससे पूछा भी कि तुम कहाँ जा रही हो, मगर उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। That's surprising. वो ऐसा कभी नहीं करती। आंटी आप एक अनजान लड़की को जानने का दावा कैसे कर सकती हैं? क्योंकि ईशा अनजान नहीं है। मैं फोन करता हूँ ना, अभी पता लग जाएगा कहाँ है वो। क्या हुआ? फोन ऑफ है उसका। कहीं मलिक किसलाल? आंटी मैंने आपसे कहा ना कि ईशा अपनी मर्जी से गई है, और अगर वो अपनी मर्जी से मलिक किसलाल के पास चली भी गई है तो हम में से किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। Will you please shut up? How dare you? उस अनजान लड़की के लिए तुम मुझसे मिसबिहेव कर रहे हो। रूबी, रूबी जी, जी कहाँ गई है ईशा? वो जी तुमने बताया ना कि ईशा अपनी मर्जी से गई है। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं। रूबी क्या हुआ था यहाँ हमारे जाने के बाद? वो जी शावेज तुम्हें अपनी होने वाली बीवी से ज्यादा एक मुलाजमा की गवाही पर यकीन है? रूबी क्या पूछ रहा हूं मैं तुमसे? शावेज भाई सब ठीक चल रहा था, अचानक से ईशा बीबी आई और ईशा बीबी से लड़ाई करना शुरू कर दी, और बात इतनी बढ़ गई कि इन्होंने ईशा बीबी को धक्के दे दे के बाहर निकाल दिया और कहा ये घर मेरा है। ये झूठ बोल रही है, तुम्हारा दिमाग तो नहीं। शावेज How dare you? तुमने एक मामूली लड़की की वजह से मुझे धक्का दिया है। मैं ईशा के बारे में कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्यों बर्दाश्त नहीं करोगे? क्या लगती है ईशा तुम्हारी? वो मेरी जो भी लगती हो, it's none of your concern. It is my concern. क्योंकि मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूँ और इस घर में वही रहेगा जिसे मैं रखना चाहूँ। Really? माँ सुना आपने, ये कह रही है कि मेरी होने वाली बीवी है, तो आज मिस अरीशा में आपकी ये गलत फहमी ना दूर कर देता। ना हमारे दरमियान पहले कभी कुछ था और ना आगे कुछ होगा, इसलिए हमारी शादी को अपने दिलो दिमाग से निकाल दो तुम। Do you understand? आंटी आंटी आप कुछ कहती क्यों नहीं? आंटी कुछ नहीं कहेंगी क्योंकि तुम्हारी असलियत जान चुकी है। You know what? तुम क्या मुझसे रिश्ता तोड़ोगे? मैं खुद ही तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती। Get out! तुम ईशा जैसी लड़की को ही डिजर्व करते हो। अरीशा जाने दो उसे। माँ आप भी जानती हैं कि ऐसी लड़कियां घर बनाना नहीं तोड़ना जानती हैं। I'll have to go check। माँ का ख्याल रखो, मैं आता हूं।